तो 18th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि रोटेशनल मोशन से है। अ थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ ए इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, यानी कि ये रॉड के एंड से जा रही है एक्सिस। और अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस ए बाय फोर, मास एम और ए बाय फोर रेडाए का जो डिस्क है यहाँ पे रखा हुआ है, विथ इट्स सेंटर इज एट ए बाय फोर फ्रॉम द फ्री एंड। तो फ्री एंड से ए बाय फोर डिस्टेंस पे इसका सेंटर यहाँ पर है, ओके, एंड इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अज्यूम दैट बोथ रॉड एंड द डिस्क हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, एंड दे रिमेन हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द मोशन। एन आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर फाइंड्स दैट रॉड इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी दिस मच रेडियन पर सेकेंड, ओके, ओमेगा, एंड द डिस्क रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस विथ 4 ओमेगा। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रहेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, ओके। और यहाँ पर अगर आप, ठीक है, रॉड तो सिर्फ रोटेट हो रहा है, बट अगर आप डिस्क का मोशन देखोगे तो डिस्क एज अ पार्टिकल सर्कल में भी घूम रही है, क्योंकि वो जो रॉड को अटैच है तो रॉड के घूमने से ये ऐसे घूम रही है, साथ ही साथ डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व हो रही है। तो हम डिस्क को पहले एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे जो कि सर्कल में घूम रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा एम वी आर रहेगा, और साथ में उसका रोटेशनल मोशन का खुद का जो रहेगा वो आई ओमेगा रहेगा। चलिए, तो रॉड के लिए एंगुलर मोमेंटम जो कि रॉड सिर्फ रोटेट हो रहा है, तो आई ओमेगा रहेगा एम ए स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एंड इज एम ए स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा प्लस डिस्क का मास एम है इंटू वी। तो हमें पता है डिस्क का कोई भी मोमेंट पे डिस्क एज अ पार्टिकल हम पकड़ेंगे सर्कुलर मोशन में घूमने वाला, तो उसका वी रहेगा आर इंटू ओमेगा। तो अगर हम देखें तो ओ पॉइंट से इसका ये डिस्टेंस कितना है, तो हमें ए में से ए बाय फोर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि थ्री ए बाय फोर, ओके, तो थ्री ए बाय फोर इंटू ओमेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं थ्री ए बाय फोर इंटू ओमेगा, ये वी है, इंटू एम वी आर, और R तो ऑब्वियसली O से इसका रेडियस कितना है 3a बाय 4 प्लस। अब डिस्क अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो उसके रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा, तो इट विल बी m r स्क्वायर बाय 2, जो कि डिस्क का रेडियस a बाय 4 है, तो m r स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, 4 ओमेगा लिख है दिया है एंगुलर स्पीड, तो ये हो जाएगा m a स्क्वायर ओमेगा बाय 3 प्लस 3 3 9, 4 4 16, तो हो जाएगा 9/16 एम ए स्क्वायर ओमेगा प्लस। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर है अपॉन, तो एक 4 कट जाएगा इसमें से, 2 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 8 डिस। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एम ए स्क्वायर ओमेगा बाहर आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे बचेगा 1/3 प्लस 1/16 9/16 प्लस 1/8। और आप ध्यान से अगर सोचे तो इन तीनों का जो एलसीएम है 48 इनके टेबल में कॉमन आता है, तो 48 लाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो 16/48, 9 3 27/48, 6/48, एलसीएम 48 हो जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 48 एज इट इज़, और इन्हें हम ऐड करेंगे तो 16 + 27 और ये 6, तो कितना हो जाएगा, तो 6 + 7 13 + 6 19 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये आएगा 49 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 48। तो n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 49 है। थैंक यू।